हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रवि और रोल टाइप चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ईमेल आईडी बनाना सिखाऊंगा। अब आप लोग ये कह रहे होंगे, क्या यार इस और को वीडियो तो मिली नहीं बनाने को, ईमेल आईडी बनाने बैठ गया ये। लेकिन नहीं दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है साइबर कैफे पे कई लोग अब भी ईमेल आईडी बनाने के लिए आते हैं और 20-25 रुपये बर्बाद कर रहे हैं अपना। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। सही तरीके से ईमेल आईडी किस तरह से बनाई जाए ये अभी भी बहुत कम लोगों को पता है। मैं ये नहीं कहता उनको पता नहीं है, बना लेते हैं वो ईमेल आईडी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। कभी पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है, कभी नेम चेंज करने को बता रहा है। तो आज मैं आपको ईमेल आईडी ठीक प्रकार से कैसे बनाया जाए मैं आपको स्क्रीन पर सिखाऊंगा। तो दोस्तों चलो, सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोलो। इसमें आप लिखिए क्रिएट जीमेल अकाउंट। ये वाला देख रहे हैं क्रिएट योर जीमेल अकाउंट, इसे आप ओपन कर लीजिए। अपना फर्स्ट नाम डालिए, जो भी आपका नाम है। जैसे मेरा नाम रवि है और लास्ट में गुप्ता, और यूज़र नेम में आप जो भी अपना ईमेल आईडी का नाम रखना चाहते हैं। जैसे मैं रॉयल टैग चैनल के ऊपर रखता हूँ, मैं RoYAL रॉयल TECH टैग। दोस्तों ये ध्यान रखना है, कोई भी कैपिटल नहीं आएगा, सब स्मॉल इसमें रखना है। और कोई भी आप अपना न्यूमेरिकल दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया 45450। दोस्तों ये बात ध्यान रखें, अल्फाबेट भी होना चाहिए और नंबर्स भी होना चाहिए, तो हमारे से आईडी थोड़ी मजबूत और सही बनती है। @gmail.com आप यहाँ पे जो भी अपना पासवर्ड डालना चाहें वो डाल सकते हैं। यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए आपने एड्रेस में डाला है पासवर्ड, भैया दोबारा डाल लीजिए कंफर्म करने के लिए। और नेक्स्ट कर दीजिए। जो आपके पास फ़ोन नंबर अवेलेबल है वो डालिए। और यहाँ पे आप अपना रिकवरी, जो आपका किसी या तो किसी आप साथी का ले लीजिए ईमेल आईडी, या अपना कोई भी पहले वाला ईमेल आईडी इसमें डाल दीजिए जो आपका बना हुआ हो। अरे यार, आपका डेट ऑफ बर्थ, मेल हो तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और नेक्स्ट कर दीजिए। और यहाँ पे आप जैसे सेंड कर देंगे तो आपके पास OTP नंबर आ जाएगा, आपका OTP नंबर जैसे आ जाएगा आप इसमें एंटर कर देना और वेरीफाई कर देना, आपका जीमेल अकाउंट तैयार हो जाएगा। और जो पासवर्ड आपने रखा है वो अपना पासवर्ड याद रखना, क्योंकि मेरा तो बना हुआ है इसलिए मैं वेरीफाई नहीं कर सकता।
तो जीमेल अकाउंट आपने बनाना सीख लिया है, इसी तरह से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। धन्यवाद।